प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक हिस्सा बन सकते हैं। आज मैं बिना समय गंवाए आपके साथ एक चर्चा करने वाला हूँ, विशेष जो मुहूर्त के लेकर होने वाली है। मुहूर्त पर हम लोग बात कर रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि व अमृत सिद्धि योग को लेकर। वैसे तो अध्यात्म ज्योतिष चैनल पर मैं इसके लिए पहले ही एक विस्तार से वीडियो बना चुका हूं, जिसमें आपको मैंने बताने का प्रयास किया है कि अगर अमृत सिद्धि योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग है तो कौन कौन से कार्य इसमें करने चाहिए, और अमृत सिद्धि योग के अंदर या सर्वार्थ सिद्धि योग के भी अंदर कुछ योग ऐसे भी बनते हैं कि जब हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। वही अमृत योग विष योग का भी काम कर देता है, खास कर किसी विशेष कार्य के अंदर। तो उसको आप देख सकते हैं उस वीडियो को अध्यात्म ज्योतिष चैनल पर, अलग से उसके लिए मैं विस्तार से चर्चा कर चुका। खैर, फिर भी कई बार हमारे सामने मुहूर्तों को लेकर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वैसे लगातार आप मुहूर्त या इन सब तमाम जानकारियों के लिए हमारे दोनों चैनल पर, चाहे अष्टवाचार्य आशीष वाले चैनल पर हो या फिर आप अध्यात्म ज्योतिष चैनल पर हो, दोनों पर आप ये समांतर लगभग ये चर्चाएं आपको मैं वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ, या आप हमारी वेबसाइट www.adhyatmajyotish.in पर भी आप देख सकते हैं और ले सकते हैं। तो आज हम जब सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग की बात करेंगे तो सितंबर और अक्टूबर दो महीनों की मैं यहाँ पर बात करूंगा। आप इन मुहूर्तों को यहाँ पर नोट कर सकते हैं। सितंबर आधा निकल चुका है, हम 21 के बाद ही बात कर लेंगे, यानी 21 सितंबर, 22 सितंबर, 24 सितंबर, 27 सितंबर, 30 सितंबर, ये यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। उसके बाद अमृत सिद्धि योग में अगले उसमें चर्चा कर रहा हूँ, यानी आगे चर्चा कर रहा हूँ। और अक्टूबर में यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि की बात करें तो 6 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 25 और 28 अक्टूबर, यानी सितंबर और अक्टूबर में ये सर्वार्थ सिद्धि योग था। अब हम अमृत सिद्धि की बात कर लेते हैं। वैसे कोई भी योग कभी भी हो रहा हो तो हमें फिर भी विशेषकर लग्न उस दिन का उस कार्य के लिए जिसको हम कर रहे हैं उसके लिए विशेष रूप से चयन कर लेना चाहिए। दूसरा, उस दिन हमारी राशि पर चंद्रमा का संचरण कहाँ हो रहा है इस बात को भी हमें इस पर बलपूर्वक देख लेना चाहिए। लेकिन कई बार होता क्या कि मान लो हमें कोई काम करना है और बहुत सडनली हमारा ये प्रोग्राम बना, मुहूर्त की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में हम इनको उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन वह शर्तें आपको दोनों जरूर पूरी करनी चाहिए, चंद्रमा और लग्न। अब हम सितंबर और अक्टूबर में सर्वार्थ सिद्धि के बाद हम अमृत सिद्धि योग पर भी चर्चा कर लेंगे। 21 सितंबर, 23 सितंबर, 24, 25, सॉरी 26 सितंबर, 28 सितंबर को यहाँ पर अमृत सिद्धि योग बनेगा। अक्टूबर में बात करें तो 2 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 2021 को अमृत सिद्धि योग रहेगा। तो दर्शकों, सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि, यानी हम लोग दोनों महीनों की चर्चा कर चुके हैं, सितंबर और अक्टूबर। आशा करता हूँ आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे, आप इनका लाभ ले पाएंगे। चंद्रमा आदि का संचरण कैसे देखते हैं उसको लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और विशिष्ट मुहूर्त की आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपने संस्थान का जो वेबसाइट है उस पर जाकर या फिर व्हाट्सएप पर जाकर आप समय लेकर चर्चा कर सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप बने रहें और हमें आप दीजिए इजाजत। फिलहाल धन्यवाद।